वो दादा अभी बीते दिनों एक चौराहे पर एक लड़का भीख मांगते मिल गया, एक नौजवान भीख मांगते हुए मिल गया मुझे। तो मैंने पूछ लिया उससे, मैंने कहा यार तू भीख क्यों मांग रहा है, अच्छा खत्ता नौजवान है, गबरू है, तू काम कर, अगर तुझे शर्म आनी चाहिए, तू हिंदुस्तानी होने पर तुझे शर्म आनी चाहिए। बोले मैं हिंदुस्तानी हूं ही नहीं। मैंने कहा फिर कहां का है? बोले मैं तो पाकिस्तान का हूं। मैंने कहा फिर यहां आके क्यों भीख मांग रहा, वहीं जाके मांग। बोले वहां किससे मांगू, वहां तो सब मांग रहे हैं। भैया बहुत अच्छा है, भैया बहुत अच्छा, एक बार तालियां बनती हैं, वाह वाह है, बहुत बढ़िया। लेकिन आपकी तालियां अब इस पर और दुगनी हो जाएगी, मेरा विश्वास है। इतना बोले वहां किससे मांगू, वहां तो सब मांग रहे हैं। मैंने कहा यार वो तुम्हारे प्रधानमंत्री इमरान खान बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तुम्हारे प्रधानमंत्री उनसे जाके मांग। बोले मैं प्रधानमंत्री हूं। तो आपने हिंदी का बड़ा कवि सम्मेलन करवाया, नहीं तो हमारी राजनीति ने हिंदी भाषा की भाषा बदल दी सर, हमारे मुहावरे बदल दिए, नारे बदल दिए, यहां तक कि हमारी गालियां तक बदल दी राजनीति की वजह से। क्या बात करें हम राजनीति की, हमारी भाषा बदल गई, मुहावरे बदल गए हमारे। पहले हिंदी भाषा में एक मुहावरा हुआ करता था, मुहावरा था पहले मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, हिंदी भाषा में मुहावरा था पहले। आप सुन के बताना जरा व्यंग किस तरह से सुना जाता है यहां पर। पहले मुहावरा था मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, हमारी राजनीति देखो आजकल मुहावरा, मजबूरी का नाम राहुल गांधी। बहुत अच्छा है, वाह वाह। अभी अभी शादियों का सीजन चल रहा है तो पूरा देश उनके पीछे पड़ गया, राहुल जी आप भी शादी कर लो, आप भी बहुलिया बहुमत तो ला नहीं पा रहे हो, राहुल जी आप भी शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, बीवी ले आओ, बीवी ले आओ, बीवी ले आओ। तो मैंने भी पूछ लिया, मैंने कहा राहुल भैया बीवी क्यों नहीं ले आते? तो राहुल जी ने जवाब दिया, और ऐसा जवाब वही दे सकते थे। मैंने कहा राहुल भैया बीवी क्यों नहीं ले आते? बोले यार चेतन सोच तो मैं भी रहा हूं, बीवी ले आऊं पर लाऊं किसकी। भाषा बदल गई हमारी, पहले मुहावरा था मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, आजकल मुहावरा है मजबूरी का नाम राहुल गांधी। पहले मुहावरा था बात पहुंचे तो आपकी तालियां मिलेंगी, पहले मुहावरा था जहां चाह है वहां राह है, आजकल मुहावरा है जहां शाह है। महाराष्ट्र का अपवाद है, आपने गलत तालियां बजा दी। स्थितियां बदल गई, पहले मुहावरा था जो जीता वही सिकंदर, आजकल मुहावरा जो जीता वही नरेंद्र। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। स्थितियां बदल गई, हमारे नारे बदल गए। कहीं 70 साल पहले इस आजादी को लाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन इन 70 सालों में देश के नेताओं ने इस देश की हालत यह कर दी, आज नेता बस कहता है कि तुम तो मुझे आजादी दो, खून तो मैं तुम्हारा पी ही लूंगा। वाह वाह वाह, गालियां बदल गई सर हमारी। वो एक लड़के ने दूसरे लड़के से कहा कि जा तेरी मां राधे मां। वाह, बोले जा तेरी मां राधे मां, तो दूसरे ने पलट के जवाब दिया फिर तेरा बापू आसाराम बापू।